जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल के बारे में। SSB एक पीस टाइम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो पीस टाइम में इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करता है। जैसे BSF पीस टाइम में इंडो पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा करता है, उसी तरह से SSB नेपाल और भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करता है। SSB को बनाया गया था 1963 में। ये CAPF फोर्सेस के अंडर में आने वाली एक फोर्स है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इसका मोटो है सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। आज SSB में लगभग 94,300 एक्टिव पर्सनल मौजूद है। ये नंबर्स आगे चल के कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। SSB के हेडक्वार्टर आज न्यू दिल्ली में स्थित है। देखिए, हुआ ये था कि 1962 के वॉर के बाद पीस टाइम में बॉर्डर्स की सुरक्षा करने के लिए इसे बनाया गया था। उस वक्त पर इंडो चाइना, इंडो नेपाल, इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा करने के लिए फोर्सेस की जरूरत महसूस होने लगी और उसी वक्त SSB को बनाया गया। उस वक्त पर इसका नाम दिया गया था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। आज जिसे हम के नाम से जानते हैं, ये उस वक्त पर इसी रॉ के अंडर में काम करता था। जब SSB को बनाया गया था, तब से लेकर के आज तक SSB का जो काम है वो काफी बदला है। आज SSB का काम दूसरे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की तरह ही है, जो पीस टाइम में दुश्मन के हलचल को मॉनिटर करता है, दुश्मन से बॉर्डर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा बॉर्डर के आसपास के एरिया पर शांति को बनाए रखना SSB का काम है। दुश्मन की ओर से या फिर हमारे ओर से इल्लीगली बॉर्डर को क्रॉस करने से रोकना भी इनका काम है। बॉर्डर के आसपास में SSB पेट्रोलिंग भी करता है और बॉर्डर्स के आसपास में स्मगलिंग को भी रोकता है। SSB के रैंक्स के बारे में अगर बात करें तो SSB के रैंक्स मोर और लेस पुलिस की तरह ही होता है, जो कांस्टेबल से शुरू होकर हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और टॉप लेवल में इंस्पेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल तक होता है। SSB की ट्रेनिंग की अगर बात करें तो SSB पर्सनल्स को ट्रेन किया जाता है गोरिल्ला वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस, डेमोलिशन, जंगल एंड स्नो सर्वाइवल में। पीस टाइम में बॉर्डर एरियाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह के वॉरफेयर की जरूरत पड़ता है। उत्तराखंड में भी SSB की एक ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है। पीस टाइम में SSB का काम है बॉर्डर की सुरक्षा करना, लेकिन अगर वॉर टाइम सिचुएशन क्रिएट होता है तो वहां पर SSB को पीछे हटाकर इंडियन आर्मी को फ्रंट लाइन फोर्स की तरह डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन वॉर टाइम सिचुएशंस में SSB को भी काम में लिया जाता है इंडियन आर्मी के एक सपोर्टिंग फोर्स के तौर पे, क्योंकि वॉर टाइम में SSB का काम होता है बॉर्डर के आसपास के एरियाज को सिक्योर करना, वहां के लोगों को वहां से इजेक्ट करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ में बॉर्डर के आसपास का पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करना। कहने का मतलब यह है कि अगर वॉर टाइम सिचुएशन क्रिएट होता है और जरूरत पड़ने पर SSB इंडियन आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन के साथ में लड़ने के लिए भी ट्रेंड होते हैं। दूसरे पीस टाइम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स को भी वॉर टाइम में इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। SSB के कांस्टेबल सुभाष साहब को 2011 में मरणोपरांत पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया है। इसके अलावा भी असिस्टेंट कमांडेंट चारू चंद्र पाठक साहब को भी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है। अगर आप SSB ज्वाइन करना चाहते हैं तो CAPF फोर्सेस के अंडर में SSB एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको चैलेंजेस पसंद है तो। क्योंकि CAPF फोर्सेस में ज्यादातर लोग CRPF को ही चॉइस करते हैं, लेकिन अगर आप SSB चॉइस करते हैं तो आपको थोड़ा डिफरेंट टेरेंस मिलेगा काम करने के लिए, डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा CRPF की तुलना में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को इसी तरह के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।